हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपको आने वाले 3 to 4 वीक्स के अंदर बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो ज़्यादातर के मैं ऐसे वीडियोस जो है वो मेंबरशिप में अपलोड कर देती हूँ, लेकिन इस टाइम मैंने सोचा है कि एवरी मंथ मैं सारे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आऊँगी, एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पर मैं आपको कुछ स्टॉक्स रिकमेंड कर सकूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो, आपको ये सारे के सारे ऐसे वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे अगर आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है। और अगर आप देखोगे तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक और आइकॉन दिखेगा ज्वाइन बटन करके, तो वहाँ से भी आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। और जो भी लोग अभी इस चैनल के ऊपर नए आए हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ। समटाइम्स एजुकेशन के ऊपर भी वीडियोस जो है वो डालती रहती हूँ नॉर्मल सब्सक्राइबर्स के लिए सारे के सारे। और ऐसे वीडियोस ज़्यादातर के मैं मेंबरशिप में डालती हूँ जहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर वीडियोज़ मिलते हैं। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी सही से मिल जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपस्टॉक्स जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर लेके आया है, जहाँ पे आपको एक फ्री ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट मिल रहा है, साथ ही साथ आपको अनलिमिटेड ब्रोकरेज क्रेडिट मिल रहा है 30 डेज के लिए, और इसके साथ साथ आपको 2000 तक के पार्टनर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इस बेनिफिट का आप ज़रूर लाभ उठाइएगा और जल्दी से अपना अकाउंट जो है वो अपस्टॉक्स के साथ ओपन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी जो है वो बहुत ही अच्छे रैली में हमें दिखाई दे रहा है। पिछला हफ्ता तो निफ्टी के लिए बहुत बढ़िया था, लेकिन अभी अगर हम लोग देखें तो निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन में चल रहा है और यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत रहेगी। मार्केट के लिए फ़िलहाल जो अभी सपोर्ट है इम्पॉर्टेंट, वो है 13,200-13,300 के जोन में। वही अपसाइड के लिए स्टिफ रेजिस्टेंस जोन रहेगा 13,600-13,700। तो यहाँ पे निफ्टी जो है वो हमें फंसा हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब इसके ऊपर हम लोग आगे आने वाले वीक के लिए, आगे आने वाले कुछ 3 से 4 वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ ऐसे स्टॉक्स चुन सकते हैं जहाँ पे हमारा जो है वो फ़ायदा हो सके। क्योंकि अभी देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनके ऑप्शंस अगर आप लोगे और अगर मार्केट कंसोलिडेशन करता है तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है वो घट सकता है, और ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना तो फिलहाल ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अभी जो बिगिनर्स है उनके लिए स्टॉक्स प्रेफरेबल है, तो इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है जहाँ पर मैं आपको कुछ 3 से 4 स्टॉक्स ऐसे बताऊँगी जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टॉक। सो अभी फर्स्ट जो स्टॉक है वो है फेडरल बैंक लिमिटेड। तो आपको अगर देखें इस स्टॉक के अंदर आपको जो है वो अपसाइड के लिए 10% तक का आपका प्रॉफिट हो सकता है। सो दिस स्टॉक हैज़ मेंटेन स्ट्रॉन्ग बेस नियर 58 and 60 जोन and current sustainability above all significant averages has improved the bias with a positive candle formation on the daily chart. RSI agar dekhe to RSI also has indicated trend reversal signal to buy. So agar hum log chart ke upar dekhe to aapko jo hai wo is stock ko 64 ke around jo hai wo buy karna hai, 64-65 ke around, aur aapko is stock ke andar जो है वो अपना टारगेट मिलेगा 73 का, और स्टॉप लॉस आपको जो मेंशन करना है वो है 58 का। तो ये एक स्टॉक हो गया। सेकेंड स्टॉक जो है वो है ITC लिमिटेड। सो दिस काउंटर अपीयर्स टू हैव रजिस्टर्ड अ क्लियर ब्रेकआउट विथ अ क्लोज अबाउट इट्स मल्टी वीक कंसोलिडेशन जोन ऑन द वीकली लाइन चार्ट। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है एंड डिसेंट वॉल्यूम भी हमें शो हो रहा है, जो कि अपसाइड के लिए, अपसाइड मूव के लिए इस स्टॉक के अंदर बेहतर है। सो इस स्टॉक को आपको जो है वो
210 के आसपास जो बाय करना है स्टॉक को, और आप इस स्टॉक के अंदर अपसाइड जो है वो 8% to 10% का देख सकते हैं, और आपको टारगेट जो मेंशन करना है वो है 235 का। आपको इस स्टॉक के अंदर 235 का टारगेट मिल सकता है, और स्टॉप लॉस आपको मेंशन करना है 195 रुपीज़ का। सो ये एक स्टॉक हो गया। थर्ड जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा महानगर गैस लिमिटेड। तो दिस स्टॉक हैज फॉर्म बुलिश फ्लैग पैटर्न इन दी डेली चार्ट, एंड इट ऑल्सो ब्रोक अबाउट इट्स इमीजिएट रेजिस्टेंस प्लेस्ड एट 1062, माइट लीड टू अपसाइड मोमेंटम। सो रिसेंट वॉल्यूम एडिशंस इन द स्टॉक माइट हेल्प इट टू गेन मोमेंटम। सो इस स्टॉक के अंदर भी आप अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बना सकते हो। 6 से 7% का अपसाइड आपको प्रॉफिट मिल सकता है, और आपको इसको जो है वो 1059 1058 के पास आपको इसके अंदर बाय के लिए जाना है, और आपका टारगेट रहेगा इस स्टॉक के अंदर 1130 का। स्टॉप लॉस आपको मेंशन रखना है 1020 का। तो ये एक स्टॉक हो गया। और एक स्टॉक हम लोग लेंगे वो रहेगा अवंती फिट्स। सो दिस स्टॉक हैज बाउंस फ्रॉम इट्स इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। सो दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग इन इट्स रेजिस्टेंस जोन, एंड ब्रेक अबाउट दिस रेजिस्टेंस माइट टेक दिस स्टॉक इन टू द हायर टेरिटरी। सो द स्टॉक इज शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेंथ इन RSI, विच इज पॉजिटिव साइन। तो इस स्टॉक के अंदर आप जो है वो 8% तक का अपसाइड देख सकते हो, और आपको इसको बाय करना है अराउंड 543 and 544 के पास, और आपको टारगेट रहेगा इस स्टॉक के अंदर 588 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 520 का। तो जो भी मैं स्टॉप लॉस बोल रही हूँ और टारगेट बोल रही हूँ वो आपको जरूर मेंशन करने हैं। अगर आप सोचोगे कि नहीं अभी इससे और ज़्यादा ऊपर जा सकता है तो मैं नेक्स्ट टारगेट के लिए जाऊँगा, तो वो आपके रिस्क पे होगा। और स्टॉप लॉस भी बहुत सारे लोग जो है वो स्टॉप लॉस मेंशन नहीं करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम लोग जो बचा हुआ है वो लेके बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने स्टॉप लॉस ही मेंशन नहीं किया है तो सारा का सारा पैसा आपका जा सकता है इसमें। तो ज़रूर आप स्टॉप लॉस और टारगेट फॉलो करिएगा। ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं वो फॉलो करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो फॉलो करोगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो और शेयर मार्केट में बहुत टाइम तक रह सकते हो। सो अभी ये स्टॉक्स थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं, अगर आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूज़फुल है उन सब के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।